हेलो गाइस, स्वागत है एमएम टेक्निकल चैनल में। तो गाइस, आज हम फिराइजर न्यू प्रोडक्ट के साथ जो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस डांसिंग रोबोट की, तो ये कुछ इस तरीके से आता है। इसकी चारों साइड में जो है कि हमें टांगे देखने को मिलती हैं और ये जो है कि चारों साइड में ऑटोमेटिकली चलता रहता है और इसके अंदर लाइट म्यूजिक भी काफी जो है कि अच्छा जो है कि हमें देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, अभी तक हम चैनल पर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही अनबॉक्सिंग से रिलेटेड और भी जो है कि टॉयस की वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। तो गाइस, अभी करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं, प्ले करके। सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरिफ अली, आप देख रहे हैं एमएम टेक्निकल चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, हमें देखने को मिलता है कुछ इसका इस तरीके का ये बॉक्स यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो ये कुछ हमें ऐसे ही निकलने वाला है इसके अंदर से। और इस यहाँ पे भी जो है कि हमें लाइट देखने को मिलने वाली है, यहाँ पर भी हाथों पे भी लाइट देखने को मिलने वाली है। और भाई, इसकी जो टांगे हैं यहाँ पे जो कि आप देख सकते हो बहुत ही सारी जो कि टांगे दी गई हैं और ये चारों साइड को इस तरीके से चलता है। मतलब कि इतनी सारी जो टांगे हैं कैसे चलेगा तो जो है कि मैं पूरा आपको दिखाने वाला हूँ। दूसरी साइड से देख लेते हैं और इधर जो है कि हमें सैंपल देखने को मिलती है कि ये किस तरीके से वर्क करता है। एडी जो दुबई प्राइज है इसका 28.50 फिल्स दिरहम है। यहाँ पे देख सकते हो म्यूजिक भी आएगा है, हैंड मूव भी करेगा ये, और काफी काफी इसके अंदर जो हमें फीचर देखने को मिलने वाले हैं तो वो हम देखेंगे। और यहाँ पे जो कि इसके जो ऑप्शन आते हैं काफी सारे आते हैं और इसके कलर भी काफी सारे आते हैं, म्यूजिक, लाइट, और जो है कि बैटरी भी है इसके अंदर, हमें बैटरी डालनी पड़ेगी। दूसरी साइड से देख लेते हैं, यहाँ पे जो कि हमें इसके तीन कलर आते हैं कुछ इस तरीके के, कोई से भी आप ले सकते हो। तो अभी जो है कि हम इसको कर लेते हैं अनबॉक्स के अंदर से, जो है कि हम निकालेंगे कि ये किस तरीके का निकलता है और कैसा है। तो ये भाई ऑरेंज कलर का जो है कि आया है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का आता है बॉक्स के अंदर, और भी कुछ भी नहीं आता है। अब हम जो है कि अपने रोबोट को देख लेते हैं यहाँ पर। तो रोबोट सेम जो है कि इस तरीके का ही निकला है जैसे कि इसके अंदर इमेज दिया था। यहाँ पे भी जो है कि हमें लाइट देखने को मिलने वाली है, यहाँ पर भी और हाथों में भी, और ये कुछ देखने के लिए कुछ हमें इस तरीके का देखने को मिलने वाला है। तो नीचे भी हमें लाइट देखने को मिलने वाली है और वही इसकी सिक्स टांगे हैं कुछ इस तरीके का ये चलने वाली हैं। तो अभी जो है कि यहाँ पर देख सकते हो इसके पीछे मिलता है यहाँ पर ऑन ऑफ का जो है कि इसको चलाने के लिए, प्ले करने के लिए। तो अभी जो है कि इसके अंदर जो है कि सेल डालने का ऑप्शन आता है यहाँ पर ऊपर, तो हम जो है कि इसके अंदर सेल फिल कर लेते हैं फिर देखेंगे इसको प्ले करके। सो फ्रेंड, अभी जो है कि मैंने इसके अंदर कर लिए यहाँ पर तीन सेल फिल और यहाँ पर जो है कि ऑन ऑफ का स्विच है। तो यहाँ पर जो है कि हम लगा के देखते हैं इसको। तो यहाँ पर जैसे कि हम इसको ऊपर को करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो भाई हमारी जो ये जो टॉयस है ये कुछ इस तरीके का चलने लगा है। यहाँ पर भी लाइट आ रही है, एक आंखें टाइप की यहाँ पर भी लाइट आ रही है, हाथों में लाइट नहीं है मगर ये ऊपर नीचे को कर रहा है हाथों को भी। और नीचे से देख लेते हैं, नीचे भी कुछ इस तरीके की है। देखो भाई कितनी मस्त जो है कि लाइट दिख रही है, बहुत ही मस्त जो है कि लाइट देखने को मिल रही है हमें। और इसकी टांगें कुछ किस तरीके से चलती है, किस तरीके से वर्क करता है, तो वो भी नीचे हम पूरा प्रॉपर तरीके से आपको दिखाते हैं। एंड अभी जो है कि इसको ले आए हैं हम नीचे, ठीक है, इसको जो है कि हम यहाँ पर प्ले करेंगे और ये किस तरीके से वर्क करता है। देखो भाई लाइट आ गई इसकी, नीचे कितनी मस्त जो है कि लाइट हमें देखने को मिल रही है और ये कुछ किस तरीके से बर कर रहा है आप खुद देख सकते हो। इसकी जो नीचे की लाइट है वो तो बहुत ही ज्यादा गजब लग रही है। और ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है, मतलब थोड़ी सी जगह में आगे पीछे को चारों साइड में ही घूमता रहता है।
सो गाइज आपने देखा इस रोबोट का जो है कि कमाल किस तरीके से ये वर्क करता है, मतलब कि ज़्यादा जो है कि स्पेस भी नहीं चाहिए इसको और काफ़ी छोटी सी जगह में जो है कि ये चलता रहता है। इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी जो है कि बहुत ही अच्छी आती है और जिसके अंदर जो 3D लाइट दी गई हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। रात में तो काफ़ी जो है कि अच्छा ये देखने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो इसकी जो टांगे हैं वो ऑटोमेटिक ही वर्क कर दी है, मतलब कि एक बार जैसे कि इसको आप चला दोगे तो ये ऑटोमेटिक ही चलता रहता है। और इसकी जो कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है या कहीं पर भी जो है कि ये लग जाता है तो ये आगे पीछे को ऑटोमेटिक ही होता रहता है ये रोबोट। तो ये कमाल का रोबोट है। तो कैसी लगी इसकी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। अगर चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही और भी बड़े बड़े टॉयसों की वीडियो इस वाले चैनल पर आती रहती हैं। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाजत, गुड बाय।